डिस्ट्रिक्ट में मेंढर सूरनकोट सेक्टर में जो आतंकवादी सिचुएशन इस समय बनी हुई है, उस संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि माइनॉरिटीज जिस तरीके से वहां पे टेरिफाइड हैं कि क्या उनकी रिलीजियस क्लींजिंग तो नहीं हो जाएगी, कारण ओवरग्राउंड वर्कर्स वहां के पकड़े जा रहे हैं, वहां का जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का रेडिकलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोगों के रोल्स सामने आ रहे हैं, अलग जगह जगह से अरेस्ट हो रही हैं, और भारत सरकार की तरफ से कोई भी सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट कि पुंछ सेक्टर में ये एनकाउंटर इतना लंबा क्यों चला है, 17 दिन तक क्यों चला जा रहा है, हैवी कैजुअलिटीज हमारी आर्म फोर्सेज को फेस करनी पड़ रही है, नंबर्स का पता नहीं है, काइंड ऑफ बंकर्स का, काइंड ऑफ हाइडआउट्स का उसका पता नहीं है। तो आज उन सब चीज़ों को टोटैलिटी में मद्देनजर रखते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भारत सरकार से ये सवाल पूछने के लिए की है कि भारत सरकार क्लैरिफाई करे कि क्या पुंछ में कारगिल जैसी परिस्थिति तो नहीं बन गई है, या कारगिल जैसी परिस्थिति इमर्ज तो नहीं हो रही है। भारत सरकार के चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, यहाँ के होम मिनिस्टर हो, सब कोई टाइट लिप्ड है इस परिस्थिति पे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में ये शरेआम कहा था कि हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे अगर 370-35A की बहाली नहीं हुई तो। क्या ये उस संदर्भ में दी, उस स्टेटमेंट के बाद का एक फॉलो अप एक्शन तो नहीं है? मुझे लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो कम से कम पुंछ की माइनॉरिटीज़ को और जम्मू संभाग के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए भारत सरकार को क्लियरली अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और क्लियरली ये बताना चाहिए कि पुंछ में परिस्थिति क्या बनी हुई है। 3-4 मुख्य रोड्स हैं, आर्मी का हेडक्वार्टर है, 35-40 किलोमीटर की दूरी है पुंछ सिटी से। आज वहाँ पे कोई ऐसी दूसरी सिटी में कोई ऐसी ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा या अदरवाइज टेररिस्ट उनके द्वारा कोई घटना हो जाती है तो एक रिलीजियस क्लींजिंग, एथनिक क्लींजिंग जैसी परिस्थिति बन सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को टू रीअश्योर द कंट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द माइनॉरिटीज ऑफ पुंछ एंड रेजिडेंट्स ऑफ 10 districts ऑफ जम्मू प्रोविंस हैज टू कम क्लियर एंड से कि भाई यहाँ पे क्या परिस्थिति है, और क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए।